हेलो दोस्तों, मेरी हैप्पी गार्डन में स्वागत है आप सबका। देखिए दोस्तों, सुबह के 7 बजे हुए और मैं टेरेस पर आ चुकी हूँ और ये वीडियो की शुरुआत हुई गुड़हल के फूलों के साथ। देखिए कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है ये पर्सले मेरे। ये देखिए इसमें कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। देसी ही बिस्किस में पिटोनिया वाली में अभी फूल झड़ गए हैं, थोड़े बच्चे हैं। ये मंडी विला ये भी खूब अच्छे से ब्लूम कर रहा है। सदाबहार देखिए ऐसा दिख रहा है मेरा गार्डन। ये इधर एक और ही बिस्किस ये भी खूब अच्छा सा खिल रहे हैं। इधर ये पर्सलिन देखिए ढेर सारे खिले हुए हैं। और ये आज मेरे लेवेंडर में देखिए कितने सारे फूल खिले हैं। ये देखिए कितने सारे सुंदर लग रहे हैं। मैं इधर ये दूर से दिखाऊंगी। इधर ये कनेर के प्लांट्स हैं मेरे सामने, सब खिले हैं सदाबहार। ये अपराजिता, आज अपराजिता में भी बहुत फ्लावरिंग हुई है। ये देखिए कितने सारे हैं। ये इधर डबल चांदनी, सिंगल पेटल चांदनी। ये देखिए कितना सुंदर रोजेस कितने सारे खिले हुए हैं। और आज ये देखिए गुच्छे में है हिबिस्कस वही देसी, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी खिला हुआ है। कनेर में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। सुंदर है, बरसात के मौसम में इनकी फ्लावरिंग का समय ज़्यादा ही देते हैं कुछ। और देखिए इन्हीं से ही रौनक बनी रहती है गार्डन की। इनके भी फूल जो हैं 4-5 दिन तक खिले रहते हैं। ये टिकोमा के भी ये भी 1-1 हफ्ते तक ये सब खिलते रहते हैं। कुछ ऐसा गार्डन लग रहा है मेरा। मैंने सारे जेड प्लांट की ये जो कटिंग लगाई थी सारे जेड प्लांट और ये एस्पेरेगस और रजनीगंधा और एमरास लिलीज के सारे प्लांट मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं। देखिए ओके दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।